हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आप किस तरह से जो है परफेक्ट आउटलाइंस है उनको ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप एक अच्छा पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हो और आपसे आउटलाइन जो है वो ड्रॉ नहीं हो पाती अच्छे से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है, क्योंकि जिस टाइम पर मैंने ये वीडियो शूट की थी तो उस टाइम पर मेरा गला थोड़ा ख़राब था, तो उस चीज़ को इग्नोर करना, एक दो जगह पर आपको लगेगा सह लेंगे थोड़ा सा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पेज जो है मैं वो ब्रुस्टो का यूज़ कर रहा हूँ, जो रफ पेपर होता है 200 GSM का, और इसमें मैंने मार्किंग कर रखी है 2 सेंटीमीटर की ग्रिड लाइंस ड्रॉ करने के लिए। मार्किंग मैंने इसलिए कर रखी है जिससे वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, और मैंने ग्रिड लाइंस को भी ड्रॉ कर लिया है। मैंने काफ़ी ग्रिड लाइंस को जो है वो हल्का ड्रॉ किया है, जो कि आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद होगा, जिससे मुझे इनको इरेज नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट इन पर मैं शेडिंग कर सकता हूँ। तो आप भी अगर ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करें तो कोशिश कीजिए हल्के से हल्का ड्रॉ कर पाएँ। तो चलिए अब मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है ड्रॉ इजी करके। और ये देखिए, इस तरह से ऐप है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इसकी कंपनी देख लीजिए आप, श्रीमान अभिषेक करके कुछ है। तो इसी ऐप को आपको इंस्टॉल करना है, और मैं बताऊँगा आपको इसको क्यों मैंने चूज़ किया। पहले अपनी फ़ोटो को इम्पोर्ट करते हैं, जैसे साइज़ चूज़ कर लिया A3, और पोर्ट्रेट में ड्रॉ करना है इसलिए चूज़ मेज करके जो भी इमेज आपको ग्रिड लाइंस में ड्रॉ करनी है उसको चूज़ करेंगे और इसमें इंपोर्ट कर देंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने रेफरेंस फ़ोटो के तौर पर साउथ इंडियन एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया मैम की इमेज चूज़ की है। तो चलिए पहले तो इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं। एडवांस में जाके आप इजीली कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब आप फर्स्ट टाइम इसमें कोई भी फ़ोटो इम्पोर्ट करोगे, तो जैसे मैंने A3 करके की थी, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग नहीं आई है, तो आपको ये 2 सेंटीमीटर की बॉक्सेस क्रिएट करने पड़ेंगे। और अब मैं आपको इस ऐप का सबसे बड़ा एडवांटेज बताता हूँ जो कि मुझे लगा। तो देखिए, मैंने इस फोटो को, आप कितना भी जूम कर लीजिए, इसकी जो ग्रिड लाइन है वो पतली, जितनी पतली है उतनी ही रहेंगी। तो मैंने और भी कई सारे ऐप ट्राई किए थे, लेकिन उसमें जूम करते ही जो ग्रिड लाइंस जो होती हैं वो भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो लाइंस का जो साइज सेट है वही रहता है। तो अब हम अपनी स्केचिंग चालू करते हैं। तो आउटलाइन ड्रॉ करना मैं हमेशा लेफ़्ट आई से स्टार्ट करता हूँ। वैसे ऐसा कुछ परमानेंट नहीं है, पर मेरी जो है वो एक तरह से आदत बन गई है। आप वैसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोकेट कीजिए किस बॉक्स में जो है आप, जो भी आई है या नोज़ है, जिस जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं वो किस बॉक्स में आ रही है। और लोकेट करने के बाद आपको बस एक सिंपल सी ट्रिक फॉलो करनी है। तो जैसे कि मैंने जो फ़ोन में जो रेफरेंस फ़ोटो है, तो मैंने उसको इतना जूम कर लिया है जितनी मेरी ग्रिड जो ग्रिड बॉक्स है उनका जो साइज है, और जस्ट उसके बगल में ही रख लिया है। जैसे इस बॉक्स से मैं ड्राइंग स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे मैं आईब्रोज को सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिए जस्ट बगल में ही रेफरेंस फ़ोटो रखी है। इससे क्या होता है, हमारा जो फोकस है ड्राइंग पर वो बना रहता है। तो आप जो है, अगर आप मान लीजिए आप दूर रख के ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको जो है सर को बार बार हिलाना पड़ेगा, जिससे आप मानो या ना मानो फोकस में फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी जस्ट साइड में रखी होगी रेफरेंस फ़ोटो, तो आप इजीली फोकस से जो भी आउटलाइन है आप ड्रॉ कर पाएंगे। और अगर आपके पास टैबलेट है मोबाइल की जगह, तो और भी अच्छी बात है, आपको पूरी फ़ोटो जो है दिख जाएगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, जो एक बार जो जूम करके जो आपने सेट कर लिया जो बॉक्स की जो साइज़ है फ़ोन में, तो उसको बार बार जूम इन या जूम आउट मत कीजिएगा। एक बार आप सेट कर लिए, चाहे तो स्केल का भी यूज़ कर लीजिए प्रॉपर 2 सेंटीमीटर नाप के, और उसके बाद जो है आप आउटलाइंस को जारी रखिए। तो यहाँ से मैं वीडियो की थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा देता हूँ, और आपको पूरा समझ में आएगा, आप ऑब्जर्व करते रहिए। और अगर आपको ग्रिड जो है थोड़ी सी अच्छे से नहीं दिख पा रही है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी बढ़ा लें, क्योंकि मैंने जानबूझकर हल्की ग्रिड बनाई है जिससे मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह से आप सिंपली जैसे जैसे आउटलाइन बनती जा रही है, उसी तरह से फ़ोन को खिसका कर, ध्यान रखिएगा जूम इन या जूम आउट नहीं करना है। और जो 2 ग्रिड बॉक्सेस होते हैं उनके बीच में से जब हम लाइन क्रॉस कराते हैं, तो वो मेज़रमेंट अच्छे से लेकर उसी तरह से आप आउटलाइन ड्रॉ करते जाइए। तो देखिए आप कितना आसान हो गया है जो आउटलाइंस को ड्रॉ करना है। और मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहता हूँ कि आप जो है वो ज़्यादा रिलाय मत करना, ज़्यादा डिपेंड मत हो जाना ग्रिड मेथड पर, क्योंकि ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, टेक्निक या ग्रिड मेथड ही पूरा ऐसा है जिसमें आपको
परफेक्ट आउटलाइंस तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो दिक्कत आएगी वो ये है कि जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी देर बाद आएगा, स्किल आपकी डेवलप बहुत लेट होंगी। तो आप अगर A4 साइज पर वर्क कर रहे हैं तो अगेन मैं कहूँगा या तो लूमिस मेथड का यूज़ कीजिए, उसमें ग्रिड को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि A3 में तो चलो समझ में आता है क्योंकि बड़ा पेपर है, एक्यूरेट आउटलाइन नहीं ड्रॉ हो पाती हर किसी से, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप छोटा स्केच बना रहे हैं या क्विक स्केच बना रहे हैं तो उसको आप फ्री हैंडेडली ड्रॉ करने की कोशिश करें। हाँ, ये मेथड का यूज़ आप कमीशन वर्क्स में कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आप अपनी स्किल नहीं डेवलप करते, उस टाइम पर आपको जो जिसका भी आप कमीशन वर्क बना रहे हैं उसको सेटिस्फेक्शन देना पड़ता है, तो उस जगह पे आप कर सकते हैं ग्रिड मेथड का। तो इसीलिए आपने देखा होगा कई आर्टिस्ट जो है वो ग्रिड मेथड को ज़्यादा प्रेफर नहीं कराते, वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो स्किल डेवलप है वो काफ़ी देर में जा कर के होती हैं, इसलिए वो लोग या तो लूमिस मेथड या और भी कई सारे मेथड हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फाइनली अब देखिए जो आउटलाइंस जो हैं वो लगभग कंप्लीट होने ही वाली हैं, तो लगभग जो है आउटलाइंस है वो 80-90% तो आप परफेक्ट कह ही सकते हैं, बाकी हमारा डिपेंड करेगा हम किस तरह से शेडिंग करते हैं, और शेडिंग के बाद ही जो है पूरा स्केच निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आउटलाइंस कंप्लीट हो चुकी है, पर मैं कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको थोड़ा और रीडिफाइन कर रहा हूँ, बाकी आउटलाइंस का प्रोसेस तो इतना ही था। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिए कि मैं इसका सेकंड पार्ट यानी जो फेस शेडिंग वाला होगा उसको मैं अपलोड करूँ या नहीं, और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसका भी आप सजेशन मुझे दे सकते हैं, मैं उन टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।